हेलो गाइस, राम राम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मटेरियल यूज इन स्केचिंग। सो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और मोस्ट ऑफ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो। तो मैं ये फेबर कास्टल की ये वाली पेंसिल यूज़ करता हूँ, ब्लैक मैट की है, तो इसी में सारे इलास्टिक ड्राइंग बनाता हूँ। अगर आपको आपकी ड्राइंग के अंदर इम्प्रूव करना है तो आपको डिफरेंट शेड ऑफ पेंसिल यूज़ करनी है। डिफरेंट शेड ऑफ पेंसिल का मतलब उसमें लाइट पेंसिल आती है, डार्क पेंसिल आती है। तो लाइट पेंसिल का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अब देखो यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे शेडो गिर रही है, तो यहाँ पे एकदम लाइट लाइट एरिया है, तो आप यहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज़ करोगे। बट इस तरफ यहाँ पे एरिया में थोड़ी सी कम लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपको डार्क एरिया दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। डार्क पेंसिल मतलब 8B 10B होगी, या B वाली पेंसिल को आपको यहाँ पे यूज़ करना है और H वाली को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। और आपको सॉफ्ट चारकोल का पेंसिल यूज़ करना है। सॉफ्ट चारकोल बहुत डार्क पेंसिल होती है, तो अभी जैसे मेरे ये बाल है वो तो है नहीं, बट थोड़े बहुत बाल है तो ब्लैक है, तो आपको उस ब्लैक बाल को करने के लिए आप 8B या 10B का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 8B या 10B का यूज़ करोगे तो ग्रेफाइट जैसा दिखेगा, और अगर आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करोगे तो सेम ऐसा ही इफेक्ट आएगा, एकदम ब्लैक ब्लैक कलर का। और गाइस, इरेजर के लिए मैं ये नीडेड इरेजर का यूज़ करता हूँ। तो ये नीडेड इरेजर, ये डस्ट प्रूफ इरेजर है, तो इससे डस्ट नहीं होती किसी भी तरह की। तो हम इसको किसी भी शेप के अंदर लाके, अगर हम डिटेलिंग वर्क कर रहे हैं तो इसको अपने ऐसा तीखा तीखा करके फिर ऐसे ऐसे आराम से मिटा सकते हैं, तो आराम से मिट जाएगा। अगर आप डिटेलिंग वर्क यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा यूज़फुल रहेगा। और आपको ब्लेंडिंग स्टम्प्स आते हैं, तो आप इन स्टम्प्स का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प्स आते हैं, तो ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स है, तो आप पेंसिल से अगर शेडिंग दोगे, तो शेडिंग देने के बाद में उसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करो तो उस पर स्मूथ इफेक्ट या कुछ और आ सकता है, यानी अच्छा सा इफेक्ट आ सकता है। तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हो, या कॉटन बर्ड का, रुई का यूज़ कर सकते हो आप, तो उससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, स्मूथ इफेक्ट आता है। अगर स्किन बना रहे हो तो यहाँ पे एकदम स्मूथ इफेक्ट है, तो आप यहाँ पे अगर शेडिंग करने के बाद में रूई से ऐसे ऐसे करोगे तो स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा पूरा। आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी के डाउट थोड़े बहुत रह गए हैं तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, तो मैं उनको पढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है, उसमें आपको थोड़ी मुश्किल फेस हो रही है कि ये थोड़ी सी हार्ड ड्राइंग है, तो अगर आपको उसका इजी ट्रिक भी चाहिए कि हम इस ड्राइंग को कैसे इजी तरीके से बना सकते हैं, तो वो ट्रिक भी मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और या कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मेरी आईडी मिस्टर कलाकार के नाम से है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।